हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। यार सॉरी, आज सारा दिन से मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ पाई, क्योंकि मैं बताया मैंने आपको लखनऊ आई हुई हूँ घूमने के लिए, लेकिन सारे दिन से आज मैं लखनऊ नहीं घूमी हूँ। मैंने सिर्फ गाड़ियाँ एक्सप्लोर किया, मर्सिडीज़ के शोरूम में मैं गई थी, तो गाड़ियों में ही उलझी रही सारा दिन, लखनऊ नहीं घूम पाई हूँ मैं। कल मेरे दोस्त की शादी है, तो कल दिन में हमारे पास फ्री टाइम है, तो दिन में हम लोग लखनऊ को घूमेंगे, इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। अभी सारा शूट वगैरह ख़त्म हो गया है, अब फाइनली यहाँ पे क्राउन मॉल था। सॉरी, मैंने शूट नहीं किया ज़्यादा यहाँ पे, मैं कैमरा लेके मेरे को घूमने का मन नहीं कर रहा, मेरे को बस घूमने का मन कर रहा है कि बस बहुत फ्री माइंड से जगह को इन्जॉय करूँ थोड़ा शांत होकर। गाड़ियों का सब मैंने शूट किया, आपको दिखाऊंगी, सारी वीडियो शेयर करूंगी। क्राउन मॉल मैंने शूट नहीं किया, वहाँ पे मैंने बहुत टेस्टी टेस्टी कुछ खाया, थोड़ी सी शॉपिंग मुझे करनी थी, वो की, क्योंकि जो मैं अपने दोस्त की शादी में ड्रेस पहननी है ना, उसके साथ के फुटवेयर लाना भूल गई, तो मुझे वो सैंडल्स लेने थे, वो ले लिए मैंने। और अब बस फाइनली जा रहे हैं होटल में, वहाँ पर जाएंगे। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत लगी है, उसे खाते हैं पीते हैं और फिर बस सोते हैं। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत हेक्टिक सा था, लेकिन यस, लखनऊ सिटी मुझे बहुत प्यारी लग रही है और लोग स्पेशली बहुत औसम है यहाँ के। तो चलिए अब चलते हैं होटल और रेस्ट करते हैं। यार रोड कितने अच्छे है, देखियो। हाँ कानपुर बहुत अच्छे एरिया है वैसे। अबे कानपुर नहीं है, लखनऊ है। बनारस नहीं है, लखनऊ है। अच्छी है। जल्दी से मुझे होटल में पहुंचा दे, मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। 10 तक गिनते ना, होटल आ जाएगा 10। गिन। मैं कुछ नहीं गिनने वाली। चला बंद कर ले, तेरे को वैसे भी नहीं पता कहाँ आ रहे कहाँ जा रहे। ये आ गया तेरी नीली। यस आ गया। चलो दोस्त, होटल में आ गई हूँ मैं, आप थोड़ा सा डिनर करते हैं और फिर बस रेस्ट करेंगे। मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थकावट है मुझे, मैं सोना चाहती हूँ। सोना तो बहुत महंगा है पागल। कैसे? चांदी चाले तू। मैं प्लैटिनम चाहती हूँ। मैं रूबी चाहती हूँ। अरे हाँ यार, यहाँ पे तो साहिल खाना तो सच कह रहा था, हमारा रूम उनके साथ वाला रूम तो नहीं है। या वो लोग डिनर कर रहे हैं, मिलके आऊँ उनसे? चली जा। है ना, चली जाती हूँ, बट खाना खा रहे हैं यार, अच्छा लगता है। शूट मत कर, बिना शूट करे चली जा। हाँ शूट नहीं करती, वैसे मिलके आती हूँ। I just went there and met him. बहुत प्यारे बंदे हैं यार, वो लोग डिनर कर रहे थे तो अच्छा नहीं लगता बीच में जाके शूट करना, तो मैंने शूट नहीं किया उनके साथ, बट मैं मिलके आई हूँ उनसे। बहुत प्यारे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट एंड बहुत 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 स्वीट है, मज़ा आ गया मुझे। वो फ़ोटो हमने क्लिक किया, अभी वो शेयर करेंगे, वो दिखाती हूँ आपको भी। तो जोक सुना दे। जोक कौन सा? वो मैंने सुना दी है। अच्छा दोबारा सुना देते हैं। एक बार क्या होता है कि सारे जंगल के जानवर मीटिंग करते हैं और वो लोग ये बात करते हैं कि यार हमेशा राजा हम शेर को ही क्यों बनाते हैं, किसी और जानवर को भी चांस देना चाहिए, और ऐसे गलत बात है कि एक ही जने की मोनोपोली चल रही है, शेर ही हर बार राजा बन जाता है, तो वोट करेंगे हम और जिसको हमारा मन करेगा उसको हम राजा बनाएंगे जंगल का। तो इलेक्शन होते हैं और उसमें बंदर जंगल का राजा बन जाता है, तो अब वो राजा बन जाता है, उसको बहुत अच्छे से रहने के लिए जगह दी जाती है, और अब एक एक करके लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं। सबसे पहले एक बकरी अपनी प्रॉब्लम लाती है कि मेरा बच्चा खो गया है, तो बंदर जैसे ही सुनता है वो बात, वो एकदम से भागना शुरू करता है, इस पेड़ से उस पे, यहाँ से इस डाली से उस डाली पे, भाग दौड़ मचाता है, बकरी उसे देखती रहती है कर क्या रहे ये, और फिर वो परेशान होकर अपना चली जाती है। दूसरी बार दूसरा जानवर आता है, वो अपनी प्रॉब्लम लाता है, चूहा आता है उनके पास, वो कहता है कि मेरा भाई नहीं मिल रहा है कई दिनों से, तो बंदर फिर वही करता है, भागम भाग इधर से उधर, ये वो कूदा कादी छलांगे वलांगे लाना, चूहा भी उसे देखता है ये क्या हो रहा है, और वो अपना फिर चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जानवर आते हैं, जो भी आता है उसी टाइम बंदर
एकदम से इधर उधर भागना, यहाँ से वहाँ छलांग लगाना, डाल से डाल पे कूदना शुरू कर देता है। तो सब जानवरों को लगता है कि यार ये हो क्या जाता है जब भी हम इनके पास आते हैं, करने क्या लग जाते हैं। तो बंदर से पूछते हैं फिर वो सब मीटिंग करके कि सर हमारी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो रहा है, आप कर क्या रहे हो। वो कहते हैं एक बात बताओ, मेरी भाग दौड़ में तुम्हें कोई कमी दिखाई दी? अब रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ। आज का डे बहुत हेक्टिक था ना, सुबह से हम लोग भागम भाग में लगे हुए हैं ना। कल का दिन सिर्फ लखनऊ को एक्सप्लोर करने में लगाते हैं और फिर रात को शादी में चलेंगे, ये वाला करेंगे। चलिए होटल में ही पूछ लेंगे कहाँ जाएं। तो चलो दोस्त, अब मैं अपना डिनर फिनिश करती हूँ, आप लोग भी कुछ खाइए पिए और बहुत ज़्यादा खुश रहिए, क्योंकि खुशी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत लोगों के मैं मेल्स पढ़ रही हूँ, आजकल के लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं लाइफ में, परेशान रहते हैं। तो देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि परेशानी इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, चीज़ें चलती रहती हैं, हमेशा एक जैसा टाइम नहीं होता। अगर बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा डाउन भी आ सकता है, और डाउन है तो बहुत अच्छा भी आएगा। तो सब zigzag चलता रहता है लाइफ में, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है कि खुश रहना है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे आप लोग, फिर मिलेंगे दोबारा नए वीडियो में। तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है, बोल चुकी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश रहना है, बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। लव यू ऑल, बाय।